नमस्कार, घर के खाने में आपका स्वागत है। घर का खाना, हेल्दी खाना। आज की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ पालक और आलू की सूखी भाजी। पालक की सब्जी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ये जितने ही खाने में स्वादिष्ट होती है उतनी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। आइए आज मैं आपको इसकी सामग्री बताती हूँ। पालक की सामग्री, ये 500 ग्राम पालक है। मैंने इसको धो के काट के और अच्छे से साफ करके रखा है। ये 250 ग्राम आलू है, इनको 1 इंच के टुकड़ों में काट के रखा है। आलू को बड़े टुकड़ों में नहीं काटते क्योंकि पालक जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और आलू को सॉफ्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए इसको छोटे टुकड़ों में काटा है। और ये इसके मसाले हैं। इसमें ज़्यादा मसालों का और मिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये 2 हरी मिर्चें बारीक मात कटी हुई, 1 चुटकी हींग, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 2 छोटे चम्मच धनिया, 1.5 चम्मच नमक आप अपनी स्वाद अनुसार ले सकते हैं, 1 चम्मच छोटा हल्दी और 1/2 चम्मच लाल मिर्च। दोस्तों, मैंने ये पैन गरम करके इसमें 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड का डाला है। आप चाहें तो इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। ये तेल अब गरम हो गया है। अब सबसे पहले इसमें हींग डलेगी। हींग, उसके बाद जीरा, उसके बाद हरी मिर्ची और उसके बाद धनिया। ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं और मंदी आंच में करके इसमें आलू डालें। अब इसको धीरे धीरे हिलाएं। आलू मैंने इसलिए पहले डाले हैं क्योंकि आलू को सॉफ्ट होने में टाइम लगता है और पालक जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। ये 1.5 चम्मच नमक, एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ, 1 छोटा चम्मच हल्दी और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची। आप चाहें तो लाल मिर्च, तीखा खाते हैं तो लाल मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं, अगर आप कम खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मीडियम रखें, हाई फ्लेम पे इसको ना पकाएं और इसको ऐसे हिला के 2 मिनट हम इसको अब ढकेंगे ताकि आलू थोड़े सॉफ्ट हो गए। मिनट हो गए हैं, देखते हैं आलू कैसे हैं। इससे आलू थोड़े सॉफ्ट हो गए, आप देख रहे होंगे आलू बीच में हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसको पहले सूखे आलू की सब्जी की तरह हल्का सा फ्राई करें। मसालों में मात्रा कम बढ़ती हो जाती है, सूखे आलूओं में अपने अलग से मसाले डलते हैं लेकिन भूनने वैसे ही हैं। इसके ऊपर पालक ऐसे करके डालेंगे क्योंकि पालक पानी छोड़ती है और पालक जब पानी छोड़ती है तो पालक बहुत जल्दी, थोड़ी देर ढकेंगे बहुत जल्दी गल जाएगी। अब इसको हम 5 मिनट मीडियम लो फ्लेम में ढक देते हैं। अब इसको 4 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको हिलाते हैं ताकि पालक और आलू आपस में मिक्स हो जाए। देख, आप देख रहे होंगे कि पालक नीचे चली गई है और आलू गलना शुरू हो गया है। आलू ये देखो गलना शुरू हो गया है। तो बीच बीच में हिला के देखते रहना चाहिए। आप देख रहे हैं कि पालक कितनी रिस गई है और कितनी नीचे हो गई है। अब हम इसको ऊपर से ढकेंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसका धीरे धीरे पानी सूख जाए और भुजिया की तरह एक अच्छी रेसिपी तैयार हो जाए। अब आप ये देख रहे हैं कि भाजी का सारा पानी सूख गया है और भाजी एकदम तैयार है और आलू भी अच्छे से पक गए हैं।
पालक और आलू की सूखी सब्जी तैयार हो गई। आप देख रहे होंगे ये आलू और पालक एकदम बढ़िया बनी है। आप चाहे तो इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। आप खाइए, आनंद उठाइए और अपने अनुभव घर के खाने में शेयर कीजिए। और जाते जाते दो टिप्स, कभी भी पालक आलू की सब्जी बनाओ तो आलू के टुकड़े ज़्यादा बड़े मत काटो, क्योंकि पालक जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और आलू को टाइम लगता है। और कभी भी मसाले इसमें ज़्यादा ना डालो, क्योंकि सूखी सब्जी कम मसालों में ही अच्छी लगती है। घर का खाना, हेल्थ का खजाना। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।